हेलो हेलो हेलो, वेरी वार्म वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले इवेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इवेंट पे किस प्रकार से हम लोग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स के टेक्नोलॉजीज़ होती है, और एक टेक्नोलॉजी को आप गोल गोल करके मिक्सअप करके दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ उसको कितने वेरिएशन में यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे लाइव सेशन इवेंट्स एक्सपर्ट का, जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। अगर आप इवेंट्स एक्सपर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। तो इस सेशन को पूरा देखिए, बहुत 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 सारी चीज़ें और बहुत अमेजिंग चीज़ें आप लोगों को इससे मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं सेशन के अंदर। ओके गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले टेक्नोलॉजी इन इवेंट्स के बारे में। अब इवेंट्स में टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है, और कैसे इवेंट्स में टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो होती जा रही है ये आप सभी को पता है। हम लोग ने ऑलरेडी एक सेशन के अंदर इसके बारे में बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजीज किस टाइप की होती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो इवेंट में आजकल काम आ रही है। बट ये सेशन स्पेसिफिकली इसलिए रखा है बिकॉज जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम एक का प्रेजेंटेशन देखा था, राइट, तो उसने होलोग्राम को दो तीन जगह यूज कर लिया था। प्रोजेक्शन मैपिंग का अलग अलग मतलब होता है, प्रोजेक्शन मैपिंग और एलईडी मैपिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, होलोग्राम एग्जैक्टली होता क्या है, 2D 3D प्रोजेक्शन होता है तो कैसे होता है, किस चीज पे होता है, तो आज हम लोग ये सारी चीजें इन डेप्थ देखने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, आप लोगों के माइंड में एक तो क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो कैसे फंक्शन करती है, और कल जाके अगर आप लोगों को किसी को कुछ सजेस्ट करना है कि मुझे प्रोजेक्शन और होलोग्राम को कैसे मर्ज करके यूज करना है, फॉग स्क्रीन में होलोग्राम की जगह कब यूज कर सकता हूँ और कब मैं अपना कॉस्ट सेव कर सकता हूँ, राइट, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, काइनेटिक बॉल्स या काइनेटिक लाइट एनर्जी क्या होती है, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है वो 2D और 3D प्रोजेक्शन है। तो ये वाली जो एक एक स्लाइड मैंने ऐसी डाली है ताकि आप लोग जब रिविजन करो तो आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो। तो प्रोजेक्शन मैपिंग इज यूज टू टर्न ऑब्जेक्ट्स ऑफन इररेगुलरली शेप्ड इनटू अ डिस्प्ले सरफेस ऑफ अ वीडियो प्रोजेक्शन। दिस ऑब्जेक्ट मे बी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल लैंडस्केप सच एज बिल्डिंग, स्मॉल इंडोर ऑब्जेक्ट्स और थिएट्रिकल स्टेज। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है। तो प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फोन है, प्रोजेक्शन मैपिंग हम लोग इसके ऊपर भी कर सकते हैं, पीछे जो दीवार है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, हम लोग एक प्लेन व्हाइट स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ टेढ़ी मेरी चीज है तो जैसे ये रिमोट है, ये टेढ़ा है, इसके अंदर कर्व है, राइट, तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन मैपिंग इसलिए हम लोग कर सकते हैं बिकॉज प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए हम लोग एक्सटर्नल प्रोजेक्टर यूज करते हैं जिसकी रेज या जिसका जो लाइट्स है उसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो उसके ऊपर वो अपना पावर डिस्प्ले करता है एंड उसको अपना एक आर्ट फॉर्म यूज करता है। तो प्रोजेक्शन मैपिंग का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एक बिल्डिंग है, राइट, अब इस बिल्डिंग को हम लोग पूरा प्रोजेक्शन मल्टीपल प्रोजेक्टर्स यूज करके इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोजेक्शन मैपिंग और कभी कभी एलईडी मैपिंग हम लोगों को सेम लगता है, बट प्रोजेक्शन मैपिंग और एलईडी मैपिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, प्रोजेक्शन मैपिंग में प्रोजेक्टर होना बहुत जरूरी है, राइट, तो इल्यूमिनेट्स प्रोजेक्टर होते हैं जो प्रोजेक्टर के बिना ये सारे नहीं होते, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर्स होते हैं। हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे लेयर्स ऑफ प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो सब मिलके एक प्रोजेक्टर आधा पार्ट डिस्प्ले कर रहा है, दूसरा प्रोजेक्टर आधा पार्ट डिस्प्ले कर रहा है, पर वो सारा पार्ट मिलके इतना ब्यूटीफुल इमेज फॉर्म होता है। और प्रोजेक्शन मैपिंग इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो आजकल वेडिंग्स बोलो, आप कॉर्पोरेट इवेंट्स बोलो, आप कोई भी बड़े से बड़ा लॉन्च बोलो, आप लोगों ने अगर एफिल टावर का कुछ भी प्रोजेक्शन वाला वीडियो देखा होगा, जैसे उसके ऊपर शाहरुख खान लिखा हुआ है, कभी कोई ओकेशन पे उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग होता है, तो वो सब प्रोजेक्शन मैपिंग होता है। बिकॉज प्रोजेक्शन मैपिंग आपको अगर ऐसे देखो तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड बहुत अमेजिंग इफेक्ट कोई भी चीज पे देता है। आई थिंक मर्सिडीज या BMW का एक लॉन्च इवेंट था जिसमें उनकी गाड़ी एक प्लेस पे खड़ी है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन मैपिंग करके और नीचे एलईडी यूज करके वो लोग ने डिपिक्ट किया कि गाड़ी चल रही है, पीछे का विजुअल्स चेंज हो रहा है, गाड़ी का कलर्स चेंज हो रहा है, गाड़ी के टायर्स चेंज हो रहे हैं, गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशंस आपको पूरी पता चल रही है। तो बहुत सुपर प्रोजेक्शन मैपिंग का इफेक्ट था। ये महाशिवरात्रि का इवेंट हुआ था जो सदगुरु ने ऑर्गेनाइज किया था, महाशिवरात्रि 2020 का, 2020 या 2019 का है, तो उस टाइम पे आई थिंक ये सबसे बड़ी महाशिवरात्रि की ये जो मूर्ति बनी थी उसके ऊपर प्रोजेक्शन मैपिंग हुआ था एंड अमेजिंग शो था वो, एक बहुत अमेजिंग शो था, राइट। तो प्रोजेक्शन मैपिंग आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि वो कोई भी चीज पे हो सकता है, इंडोर है, चार दीवार पे हो सकता है, ऊपर छत पे भी हो सकता है, नीचे सीलिंग पे भी, नीचे फ्लोर पे भी हो सकता है,
कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हो सकता है, कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग 2D प्रोजेक्शन कर सकते हैं, कोई कर्वी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसके ऊपर 3D प्रोजेक्शन करते हैं, राइट। तो प्रोजेक्शन मैपिंग मतलब प्रोजेक्टर और उसके ऊपर हम लोग कोई चीज के ऊपर मैप कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोजेक्शन मैपिंग बोलते हैं। तो चलते हैं आगे, होलोग्राम। आप लोगों को जैसे जैसे अगर कोई डाउट है एक एक स्लाइड में तो वो डाउट्स मुझे बताते चलना, वही स्लाइड पर हम लोग उसको क्लियर करके आगे जाएंगे। इनकेस अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे चैट के अंदर पिंग कर देना, राइट। अब होलोग्राम, तो होलोग्राम का मतलब क्या है, होलोग्राम क्या होता है, होलो मतलब खाली, राइट। तो उससे होलोग्राम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस पे अगर आप कुछ डिपिक्ट कर सकते हो उसको होलोग्राम बोलते हैं। अब आप लोग मुझे देख रहे हो तो वो कैसे देख रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, मुझसे, मुझ पे लाइट आ रही है, वो आप लोगों के आईज पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए आप मेरा इमेज देख पा रहे हो, राइट। अब मैं यहाँ पे लाइव बैठा हूँ तो इसलिए मैं आपको 3D वे में दिख रहा हूँ, राइट। अगर आप मेरा फोटो क्लिक कर लो और वो आप देखो आपको दिखेगी, बट आपको सिर्फ फ्रंट से दिखेगी, साइड से दिखेगी नहीं दिखेगी, पीछे से दिखेगी नहीं दिखेगी। तो उसके लिए आपको 3 ways, अब जैसे साउंड रिकॉर्ड होता है उसी तरह से लाइट भी रिकॉर्ड होता है, तो राइट जो रिकॉर्ड होती है ये 3 ways से। अब आपने फ्रंट फेस से रिकॉर्ड की तो आपको 2D दिख रहा है, अगर आप 3 ways से रिकॉर्ड करोगे और उसको एग्जैक्टली प्ले करोगे यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे नहीं भी रहूँ तो आपको मैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम दिखूंगा, राइट। तो होलोग्राम जो है वो हवे में भी हो सकता है, बट होलोग्राम हम लोग जो इवेंट में यूज करते हैं वो एयर स्पेस वाला यूज नहीं करते, वो टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसका ऑल्टरनेटिव हम लोग होलोग्राम क्या यूज करते हैं वो अगले स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो होलोग्राम का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, तो जो मॉल्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं होलोग्राम यूज करते हैं हम लोग, छोटे छोटे जो चीज को अगर कुछ डिपिक्ट करना है ना तो हम लोग होलोग्राम यूज करते हैं। 3 ऐसा ट्रायंगुलर शेप का आपने ग्लास देखा होगा, उसके बीच में आपका प्रोडक्ट 3D वे में घूम रहा है, मॉल के बीच में एक स्क्वायर शेप का इंस्टॉलेशन या ट्रायंगुलर शेप का इंस्टॉलेशन है, उसके अंदर आपका 3D प्रोडक्ट घूम रहा है, तो वहां पे हम लोग होलोग्राम ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं। बट आप लोगों को अगर कुछ यूज करना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है होलोग्राम, राइट। तो हम लोग उसके जगह हम लोग स्क्रीन यूज करते हैं जो कि होती है ट्रांसपेरेंट LED। तो होलोग्राम का मतलब अगर आप लोगों को समझ गया, 3 space पे जब लाइट आती है, जब आगे पीछे हर जगह से लाइट रिकॉर्ड करके हम लोग को डिवाइस के वो 3D प्रोजेक्शन, अब हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं तो वन वे प्रोजेक्शन होता है, जब हम लोग 3D प्रोजेक्टर यूज करते हैं तब जाके हम लोग एक होलोग्राम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी किक, तो किक में जो लास्ट वाला सीन है सलमान ऐसे 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 चलता है, राइट, और रणवीर हुडा वहां पे आता है, वो उसके अंदर से पास हो जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में ये वाली टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा रैपिडली यूज होती है। अगर कोई आप भूत का सीन देखते हो तो कोई ऐसा हाथ डालता है और वो हाथ निकाल लेता है उसके बॉडी में से, ऐसा लगता है कि ये कैसा हो गया, तो वो सब होलोग्राम है, वो सब कुछ नहीं है, होलोग्राम है, होलोग्राम उस तरह से यूज हो सकता है। अब हम लोग जो स्क्रीन जो हम लोग इवेंट पे यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग ने 70% ट्रांसपेरेंट स्क्रीन अचीव कर ली है, राइट। तो हम लोग स्क्रीन यूज करते हैं, तो ये स्क्रीन क्या होती है, अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जो स्क्रीन है सैमसंग जिसपे लिखा हुआ उसके पीछे भी आप लोगों को दिख रहा है, राइट, बिकॉज वो उस तरह का सेटअप है। बट इवेंट्स में हम लोग इसको और अच्छे से करने के लिए हम लोग पीछे ब्लैक कलर का क्लॉथ लगा देते हैं ताकि पीछे और वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर कोई फर्क नहीं दिखे, जो देखने वाला है उसके लिए वो क्लियर विजुअल है, जो स्क्रीन के अंदर प्ले हो रहा है उसको लग रहा है वो हवे में कुछ हो रहा है, बट उसको ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही है, उसको पीछे नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग उसको होलोग्राम इफेक्ट बोलते हैं, जो कि होता है, दिखता है। अगर आपको पता नहीं है वहां पे स्क्रीन है तो एग्जैक्टली सेम दिखेगा, राइट, बिकॉज इसका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। एंड होलोग्राम में कभी कभी शायद अगर बहुत रेजोल्यूशन का आपको शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, तो इस तरह का आपको इफेक्ट मिलता है इवेंट पे। अब जैसे ये है जो आपको राइट साइड पे नीचे जो इमेज दिख रही है वो एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लैक कलर की स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है, राइट। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं, बट अगर आप लोग ये इमेज देखोगे आप लोगों को दूर से पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर स्क्रीन ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग जब स्टार्टिंग में देखेंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आगे यहाँ पे एक स्क्रीन है, राइट, बट आगे वो पूरा ग्लास लगा हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग, जैसे हम लोग ने एक बार पुणे में इवेंट किया था तब हम लोग ने बाहर एक बूथ बनाया था, आगे ग्लास था एंड फैमिली के मेंबर्स ही उसके अंदर एक वेलकम मैसेज बोल रहे थे, राइट। तो उस तरह का आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि होलोग्राम आपको 3D वाला अगर कुछ यूज करना है तो आप कहाँ यूज कर सकते हैं, स्क्रीन बेस्ड आप कहाँ यूज कर सकते हो, स्क्रीन बेस्ड आप वहीं यूज कर सकते हैं जहां पे कोई जाके छेड़खानी नहीं करे। अगर कोई किसी ने आके हाथ लगा दिया, आप एक बूथ बना रहे तो वो थोड़ा सा ऊपर कहीं बना दीजिए, या
आप ऐसा बना रहे हैं तो आर पार आप लोगों को दिखे, तो उसको आपको कवर करने के लिए लाइटिंग, आपको पीछे ब्लैक मास्किंग, पीछे वो सारा चीजों का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तब जाके आप इसको 100% अचीव कर सकते हैं अच्छे से, राइट। अब हम लोग ने बात की थी फॉग स्क्रीन के बारे में, तो फॉग स्क्रीन को इतना हाई एंड टेक नहीं है। फॉग स्क्रीन सिंपली क्या होता है, वो आपकी हेज मशीन जो होती है उसको यूज करता है, उससे वाटर वेपर्स स्टीम टाइप का बनाता है, सेमी ट्रांसपेरेंट वॉल बना देता है। फॉग जो आप लोगों का धुआं कैसा होता है उस टाइप का बनाता है, वो कंटिन्यूस आते रहता है, कंटिन्यूस बहते रहता है, वहां से स्टीम आ रही है, एंड वो स्टीम जो होता है जैसा ब्लरी फॉर्म होता है उसके ऊपर जब प्रोजेक्टर्स आते हैं तो वो स्टीम के ऊपर वो फॉग वो स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर जब प्रोजेक्टर आते हैं तो वो इमेज स्टीम के ऊपर फॉर्म हो जाती है, तो स्टीम कंटिन्यूस आ रहा है, वो इमेज वहां पे स्टेबल है, इसकी वजह से आपको थोड़ा मूवमेंट दिखेगा, एंड वो स्टीम है इसकी वजह से आप उसके अंदर से आप जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप मोस्टली देखोगे तो फॉग स्क्रीन कहाँ यूज होती है, एंट्रेंस गेट के ऊपर, अगर आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही शोज के लिए अगर कुछ चाहिए, मतलब डिस्प्ले के लिए चाहिए कहीं पे कॉर्नर में, तो होलोग्राम इज बेटर, राइट। अगर आप लोगों को सिर्फ एंट्रेंस गेट के लिए ऐसा इफेक्ट चाहिए, विजुअल इफेक्ट चाहिए, तो आप फॉग स्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि होलोग्राम फॉग स्क्रीन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप जब फॉग स्क्रीन यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया सामने प्रोजेक्टर चाहिए तो प्रोजेक्टर उसके ऊपर इमेज डिस्प्ले करता है, तो वो प्रोजेक्टर रखने के लिए आप लोगों को कहीं से स्पेस चाहिए, राइट। तो अगर आप एंट्रेंस गेट बना रहे हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे हिडन प्रोजेक्टर छुपाने की या प्रोजेक्टर साइड में रखने की वो भी स्पेस चाहिए होगी, तो वो सारी चीजों को ध्यान रख के आप लोगों को ये सारी चीजें सजेस्ट करनी है। अगर आप सोच रहे कि आपको अंदर नहीं रखना है बाहर रखना है, तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है आपका गेट और डायरेक्ट मेन रोड या हाईवे कुछ ऐसा आ जाता है, तब आप लोगों को सोचना है कि इसको कहाँ रखेंगे, उसके हिसाब से सजेस्ट करना है। तो हमेशा वेन्यू देखना, समझना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वहां लगने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी। अब हम लोगों को दिखने के लिए ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक लेयर ही तो है, बट उसके पीछे उसको कहीं ना कहीं से इमेज आना भी है, तो वो कैसे डालेंगे, तो वो सारी जगह चीजें आएगी, तो उसके लिए स्पेस लगेगा। अब इसको करने के लिए आप लोगों को ट्रस्ट लगाना पड़ता है, लाइक टी ट्रस्ट लगाना पड़ता है, तो वो ट्रस्ट आप लगाओगे तो उसकी स्पेस है नहीं है। आप एंट्रेंस गेट के आगे, अगर एंट्रेंस गेट आपका नहीं बनेगा क्योंकि ट्रस अगर बना दोगे तो एंट्रेंस गेट उसके ऊपर कैसे बनाओगे, तो ये सारी चीजें सोच समझ के, टेक्नोलॉजी समझ के फिर सजेस्ट करो, बिकॉज ये सारी चीजें दिखने में बहुत फैंसी है। अगर आप क्लाइंट को बताओगे ओ वाओ बहुत अच्छा है, कभी यूनिक लगेगा, करते हैं हम लोग ये सारी चीजें, बट जब एग्जीक्यूशन वाइज आती है तो हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको कैसे करें, राइट। इसके बाद आती है इंटरैक्टिव एलईडी। अब इंटरैक्टिव एलईडी क्या होती है, इंटरैक्टिव एलईडी सिंपल वे में बताऊं तो वो ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स सटल जेंटल फैशंस को रिस्पॉन्ड करती है। कुछ भी एलईडी जो है, जो स्क्रीन जो है, वो अगर ह्यूमन के इंटरैक्शन को रिस्पॉन्स करे उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव एलईडी, राइट। सिंपल इसका मतलब ये, इसको पढ़ना है आपको पढ़ लो। तो अब ह्यूमन का इंटरैक्शन क्या क्या होता है, एक हम लोग ऐसा वेव कर सकते हैं, हम लोग आई मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम हिल सकते हैं, हम मूव हिल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन करने का तरीका होता है। हम टच कर सकते हैं, हम उसके ऊपर चल सकते हैं, तो वो सारी चीजों को अगर वो एलईडी रिस्पॉन्ड कर रही है तो वो इंटरेक्टिव एलईडी है, राइट। तो इंटरेक्टिव एलईडी को हम लोग मोशन सेंसर के जैसा भी यूज करते हैं, जैसे फोटो बूथ में आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वहां पे स्क्रीन है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर इस तरह से हैंड मूव करूंगा, इस तरह से हैंड करूंगा तो वो फोटो क्लिक कर लेगा, मैं इस तरह से हैंड क्लिक करूंगा तो वो फिल्टर्स चेंज कर लेगा, तो वो क्या है, वो एलईडी मोशन सेंसर है जो मेरा मूवमेंट ट्रैक कर रही है। उसी के साथ वो टच स्क्रीन भी होती है, तो टच स्क्रीन है तो हम लोग कभी बहुत सारा हम लोग टच स्क्रीन गेम्स होती है, टच स्क्रीन एलईडी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट बड़ी बात आती है इंटरैक्टिव एलईडी जो नीचे होती है, जो फ्लोर पे होती है, तो अगर हम लोग हाथ से टच कर सकते हैं वो एलईडी, अगर मोशन सेंसर कर सकते हैं तो वो एलईडी हम लोग जब नीचे फ्लोर पे बिछाते हैं, जैसे कि राइट साइड पे जो नीचे एलईडी दिख रही है, तो हम लोग जैसे जैसे उस पर मूव करते हैं वो वैसे वैसे एलईडी रिस्पॉन्ड करती है, और वहां वहां पे हम लोगों का उस तरह का इफेक्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने अगर मोबाइल में थीम डाली है तो वो जो आपकी रिस्पॉन्सिव थीम्स वगैरह होती है, जैसे आप टच करते तो वाटर का वहां पे उस तरह का रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, तो उसी तरह से वो वाली सेम टेक्नोलॉजी आप लोगों के एलईडीज के अंदर है, उसको इंटरैक्टिव एलईडी बोलते हैं, एंड वो फ्लोर पे जब यूज करते हैं तो वो उस तरह से रिएक्ट करती है, राइट। तो इंटरैक्टिव एलईडी एंड दूसरी एलईडी में अंदर फर्क है। तो अब तक हम लोग ने दो टाइप की एलईडी देख ली, ट्रांसपेरेंट एलईडी, इंटरैक्टिव एलईडी, तो काफी टेक्नोलॉजीज आ रही है एलईडी के अंदर, बहुत वेरिएशन आ रहे हैं। कर्व एलईडीज भी आती है ताकि आपका कर्व शेप फॉर्म हो जाए। ये सारा एग्जांपल्स है आपका इंटरैक्टिव रिस्पॉन्सिव एलईडीज का। जैसे आप यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं तो वो सामने गैस वो सामने आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे हुसैन बोल्ट है, यहाँ पे आप है, तो इस टाइप का हम लोग ने क्रिएटिव बनाया था, जो अगर आप यहाँ पे भाग रहे हुसैन बोल्ट यहाँ पे भाग रहा है तो वो सब कैसा है, वो सब मोशन सेंसर एलईडी के साथ होता है। एंड ये जो राइट साइड में फोटो बूथ है
उसके सामने आप जैसे खड़े हो जाएंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड उसके बाद में आपको बोलेगा 3, 2, 1 से चीज, एंड आप स्माइल करेंगे वैसे ही आपका फोटो क्लिक कर लेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इंटरैक्टिव एलईडी हैं जो ह्यूमंस के रिस्पॉन्स के ऊपर सेट की जाती है, राइट। उसके बाद आता है एलईडी मैपिंग। अब एलईडी मैपिंग क्या होता है? एलईडी मैपिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग में सबसे सेम चीज है मैपिंग। एलईडी के अंदर अलग है एलईडी और उसके अंदर अलग है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हम लोग को पता चल गया, एलईडी मैपिंग बिना एलईडी के नहीं हो सकता। अब एलईडी जहां पे है वहां पे एलईडी मैपिंग हो सकती है। तो सिंपल एलईडी के ऊपर नॉर्मल कंटेंट प्ले करोगे वो एक नॉर्मल कंटेंट होगा, बट मैपिंग क्या होता है कि आपने ना सारे एलईडी के जो पीसीज है उनको इतना अच्छे से मैप किया है कि वो एक ब्यूटीफुल पिक्चर में आ गया है। हो सकता है आपकी एक एलईडी यहाँ है, एक एलईडी यहाँ है और एक एलईडी यहाँ है, बट आपने उन तीनों के अंदर इस तरह से वो पिक्चर को फिट किया है, इस तरह से वो एजेस को मिलाया है कि वो तीनों दूर होके भी वो एक इमेज जैसा लग रहा है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं एलईडी मैपिंग। आपने उन सबको एक मैप करके एक ब्यूटीफुल पिक्चर के अंदर बनाया। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ये। तो अब ये है सब एलईडी के पैनल। अब एलईडी का जो पैनल आता है वो 2x2 का आता है, 3x3 का आता है, राइट। तो आपने एक पैनल लगाया, उसके ऊपर एक पैनल लगाया, फिर एक पैनल लगाया, तो कुछ पैनल की हाइट आपने बड़ी छोड़ दी, कुछ की छोटी छोड़ दी, कुछ की और छोटी छोड़ दी, और उन सबको इतने अच्छे से मर्ज किया एक इमेज के अंदर, उन सबको कनेक्ट करके कि वो सारी एलईडी एक ही इमेज फॉर्म कर रही है, राइट। तो उसको हम लोग एलईडी मैपिंग बोलते हैं। अब जो नीचे वाला स्टेज है वो भी कोई बिल्ड किया हुआ स्टेज नहीं है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है वो स्क्वायर है, राइट। जो ऊपर से कर्व है उसके ऊपर भी कुछ स्पेस है और वहां पे आपको मून जैसा कुछ दिख रहा है, तो वो भी एलईडी का पार्ट है पूरी स्क्वायर, बट डिजाइनिंग इतनी अच्छी से की है कि दूर से देखने वालों को लगेगा क्या स्टेज है, राइट। तो एलईडी मैपिंग का फायदा क्या होता है? जैसे संगीत वगैरह में आजकल एलईडी मैपिंग बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होता है। द रीजन इज आपको एक बार पीछे एलईडी आपने यूज कर ली, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ स्टेज मिल जाते हैं। एक डांस में आपने महल रखा है, एक डांस में आपने पेरिस का कुछ कल्चर रखा है, एक डांस में आपने कुछ और रखा है, तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका पूरा एटमोस्फियर और बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए एलईडी मैपिंग संगीत और ये सारे फंक्शंस में बहुत यूज होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कहीं पे फ्लैट सरफेस है और आपने क्लाइंट को सजेस्ट कर दिया कि हम लोग गेट पे प्रोजेक्शन मैपिंग करेंगे, राइट। तो हम लोग ने वो जो वाटरफॉल वाला देखा था वो सेम इफेक्ट आप एलईडी में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्या होता है? आप प्रोजेक्टर पे आप कंटेंट तो बनाओगे वाटरफॉल का, राइट। आप या तो उसको प्रोजेक्टर से डिपिक्ट करोगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहां से वाटरफॉल होगा, या तो आप 3D कंटेंट बनाओगे और एलईडी के अंदर उसको फिट कर दोगे, वो अंदर ही प्ले होगा। तो प्रोजेक्शन मैपिंग और एलईडी जहां पे आपको ऑप्शन मिले यूज करने का, तो गो फॉर एलईडी फर्स्ट अगर 2D है तो, बिकॉज एलईडी के जो पिक्सल्स होते हैं वो ज्यादा क्लियर होते हैं। एक आप दूर से किसी चीज को प्रोजेक्ट करो वो थोड़ा ब्लरी लगता है। एक आप स्क्रीन है, ये मेरी स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन के अंदर द थिंग इज मोर क्लियर, राइट। और एलईडी इंप्रूव होती जा रही है। तो अगर आपका स्टेज है तो अगर हम लोग पूरा प्रोजेक्शन मैपिंग भी करेंगे तो हम लोग स्टेज के लिए एलईडी यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग एलईडी मैपिंग करते हैं, और जहां पे जो चीज है जहां पे एलईडी नहीं लग सकती या एलईडी बहुत एक्सपेंसिव हो रही है, जैसे आपका 10-20 फीट के ऊपर कुछ जा रहा है तो एलईडी बिकम्स एक्सपेंसिव, राइट। उतने आपको पीसीज लगते हैं, उतना आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, उतना आपको बहुत सारा सर्वर्स और ये सब लगता है, तो वो है प्रोजेक्शन मैपिंग। क्लियर है एलईडी प्रोजेक्शन मैपिंग? एकदम क्लियर है। स्टीरियोस्कोपिक 3D, अब ये टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को पता है, हम लोग थिएटर्स में जो मूवीज देखते हैं सिंपल इस तरह से होती है, तो वो जो पिक्चर होती है वो ऐसी होती है। स्टीरियोस्कोपिक 3D होता क्या है? अब जैसे हम लोगों का जो 3D मूवी होता है, अब जैसे मैं एक हूँ तो मेरा एक पिक्चर क्लिक किया, एक और पिक्चर क्लिक किया, उसको दूसरे पिक्चर को थोड़ा सा साइड में ले लिया, राइट। तो उसका मतलब क्या है? मेरी एक आईज ये पिक्चर देखेगी, दूसरी आईज दूसरा पिक्चर देखेगी, तो वो दोनों जब कंबाइन हो जाता है तब एक 3D इमेज फॉर्म होता है। तो ये भी आप इवेंट में लाइव यूज कर सकते हैं, बट एक चीज है, इसको अगर आपको प्रॉपर अचीव करना है तो हम लोग इसको जब यूज करते हैं तो क्रिएटिव एफ मेरा एक फ्रेंड की कंपनी है जिन्होंने ये किया था, बहुत अच्छे से अमेजिंगली किया था, तो 10-15 मिनट्स का प्रेजेंटेशन स्लॉट है, जब सारे लोग वो चीज को एक साथ में देख रहे तो आप ये चीज को अचीव कर सकते हैं। और ये सब कब हो सकता है आपका कॉन्फ्रेंस जो सब लोग एक साथ में बैठे, सबने वो स्पेक्स पहने, राइट। आपको 3D स्पेक्स पहनना बहुत जरूरी है ये चीज के लिए। तो आप पूरा सब कुछ पूरा इवेंट 3D स्टीरियोस्कोपिक 3D में नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं पूरा इवेंट स्टीरियोस्कोपिक 3D में करूंगा, बट वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। कोई अपने स्पेक्स निकालेगा, कोई कभी खाना खाने जा रहा है, तो कुछ एक पर्टिकुलर एक्ट है 5-10 मिनट का, या 5-10 मिनट के लिए आपको कुछ दिखाना है, तो आप ये सब चीज इवेंट्स के अंदर अचीव
कर सकते हैं, राइट। तो स्टीरियोस्कोपिक 3D क्या होता है, उसके ऊपर एक वीडियो है, देख लो, काफी क्लैरिटी। 3D stereoscopic films are produced by creating two views of the same scene with two separate cameras slightly offset to simulate the distance between the audience's eyes. By projecting these images simultaneously through a special system to an audience wearing filtered glasses, these two views are sent to the appropriate left and right eyes, where the brain fuses the images together, giving the viewer a strong illusion of depth into and out of the screen. So, समझ में आ जाएगा तो उसको यूज कैसे करना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से दिमाग काम करेगा, राइट। सो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हो, आप किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को मर्ज करके बहुत अमेजिंग इवेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। रोबोट्स एंड रोबोटिक्स, राइट। अब इंडिया में रोबोट्स की लिमिटेशन है, हम लोगों को हर टाइप के रोबोट्स नहीं मिलते। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रोबोट है वो है पेपर फैमिली। पेपर के दो भाई, एक छोटे भाई और एक बड़ा भाई भी है, जिसके उसको वो लोग बोलते हैं, उस तरह से मार्केट करते हैं। बट पेपर इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट एडवांस रोबोट दैट यू विल फाइंड इन इंडिया। एंड पेपर को हम लोग ने यूज भी किया, बहुत अच्छा क्यूट सा रोबोट है, बहुत मजा आती है रोबोट को साथ टाइम पास भी करने के लिए। द रोबोट कैन बैंड, द रोबोट कैन हाई वेव एंड ऑल दोस थिंग्स। इसको मैंने यूज करके भी काफी टाइम हो गया। इसका एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट चेक दिस वीडियो एंड विल नो किस टाइप के रोबोट जो इंडिया में अवेलेबल है। Say hello to Pepper. Pepper is high-tech, low-maintenance, and not your typical robot. Pepper's not here to replace humans or even vacuum the floor. Pepper is here to make people happy, help them grow, and enhance their lives. Think of it as high-tech you can high-five. Awesome. Pepper can be incredibly helpful interacting with customers and solving problems or providing information. That's because Pepper is a friend, an advisor, and a business partner. In fact, there's only one thing Pepper isn't, a finished product. And that's where you come in. By creating new content and new usages, developers... Right, so Pepper, jo hai, robot, agar hum log bolte ki answers deta hai, to event pe bhi isko agar bulana hai, to agar aap iske andar kuch data feed karenge, to wo us tarah se process karega, right? So jaise hum log isko specific event pe bulaye the, तो उसके अंदर अगर हम लोगों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके एग्जीबिशन बूथ था वो, राइट। तो व्हाट इज दिस एग्जीबिशन बूथ अबाउट, तो वो क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर ऑलरेडी फीड किया हुआ है, तो वो वही बोलेगा जो आपके उसके अंदर फीड करके रखा है। कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है जो गूगल पे अवेलेबल है, या सो बिकॉज इट्स अ रोबोट, राइट। अगर आपको एंकरिंग करानी है तो ये एंकरिंग भी कर सकता है, बट आपको इसके अंदर कॉन्टेंट डालना पड़ेगा। अगर आपको इसको इस तरह से ट्रेन करना है, जो भी गेस्ट आ रहा है उसको आपको उसको ड्रॉप करना है तो वो ड्रॉप करेगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड, इसका जो नीचे का बेस है वो फ्लैट है, तो आपको फ्लोर फ्लैट होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अगर आप लोग सजेस्ट कर रहे हो कोई भी टेक्नोलॉजी, तो जस्ट चेक द फीजिबिलिटी कि क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। आपने इस रोबोट को नीचे घुमा रहे एंड अचानक से आपने डिसाइड किया इसको स्टेज पे चलना है, तो व्हाट इज द फीजिबिलिटी, आप इसको कैसे लेके जाएंगे, उठाने का प्रोसेस है कि नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें ध्यान से देखना है और फिर सजेस्ट करना है। कभी कभी हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं कि ये आपके क्लाइंट के बीच में घूमेगा एंड पता चलता है कि वो ग्राउंड है, ग्राउंड का जो नीचे का सरफेस है वही लेवलाइज नहीं है, तो ये कैसे चल पाएगा, राइट, बिकॉज है तो रोबोट है। तो ये सारी चीजें, तो रोबोट्स के रोबोट्स एंड रोबोटिक्स, तो बहुत सारी ऐसी टेक चीजें भी है, टेक्नोलॉजीज भी है जो रोबोट एग्जैक्टली रोबोट्स नहीं है, बट वो रोबोटिक्स, उसके अंदर बहुत सारे टेक फीचर्स है जो उसको उसको आप सेमी रोबोट टाइप्स भी बोल सकते हो। आप जैसे ये मैजिक मिरर है, तो मैजिक मिरर आपके वेन्यू में अकेले अकेले घूमते रहता है, जहाँ पे उसको कोई दिखा वहाँ पे रुक जाता है, तो उसके आप रोक के उसके अंदर फोटो लेके आपको इंस्टेंट प्रिंट दे देगा, या आपको फोटो दोगे या उसको अपलोड कर देगा। तो वॉट एवर द थिंग इज, ये आपका इवेंट के अंदर यूज कर सकते हैं आप। जैसे ये राइट साइड में आपको कार दिख रही है, तो ये क्या आपके सर पे आपको एक ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजी रहती है, राइट, यू कैन सी दिस लेडी इज वेयरिंग, राइट। तो ये क्या होता है, ये एक कॉर्पोरेट में हम लोग ने इसको भी यूज किया था। आप आईज बंद करके फुल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लगाएंगे उस कार के ऊपर, मतलब आईज बंद हो या नहीं हो, तो वो कार माइंड पावर से चलती है। नाउ दिस वाज अमेजिंग, राइट। सो माइंड पावर, आप जितना पावर लगाएंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक चीज पे रखेंगे तो ही ये कार चलेगी, यानी ये रियल है। मैंने इसको यूज कर चुका हूँ पहले, मैं बिलीव नहीं कर रहा था, बट दिस इज रियल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल विच आर फैसिनेटिंग, राइट। सो आप सजेस्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे कौन से टाइप के मार्केट में अवेलेबल है चीजें, तो आप लोगों को बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें मिलेंगी।
अब काइनेटिक लाइट, ये अभी अभी मेरा रिसेंट में एक फेवरेट चीज, अगर आप पूछो तो काइनेटिक लाइट मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज एक वेन्यू के अंदर अलग चार्म और वेन्यू के अंदर एक अलग फील आ जाता है काइनेटिक लाइट से। तो उसका एक वीडियो देखते, काइनेटिक लाइट होती क्या है। अब ये तो एक एग्जांपल था, इसके अलावा इट क्रिएट्स खाली एम्बियंस के लिए आप इस तरह से मूव कर सकते हो। काइनेटिक लाइट्स को आप कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले एग्जीबिशन के अंदर आपको यूज करना है। दिस वाज डन बाय बीएफ राइट, उन्होंने इसको इस तरह का फाइनल रिजल्ट। तो हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी डिपेंड्स, आपको पूरा बताएगा कि उसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं। काइनेटिक लाइट्स को आप इवेंट्स में सिर्फ लाइट पर्पस के लिए स्टेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, आप कहीं पे आपको कम लाइट्स यूज करनी है तो आप सिर्फ एक डेकोर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको बूथ्स के अंदर एग्जीबिशंस में यूज कर सकते हैं। बट ये होती किस तरह से, तो काइनेटिक लाइट्स किस तरह से ऑपरेट होती है ये एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है, आप लोगों का जो ट्रस है राइट, तो ट्रस के अंदर हर लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, तो वो मैकेनिज्म फिट होता है, उसके नीचे ये बॉल्स लगती है या बॉल्स। अब ये जरूरी नहीं नीचे आपकी आपकी राउंड बॉल्स ही लगे, आप इसके अंदर एलईडी ट्यूबलाइट्स लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप की लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म समझेगा कि ये किस तरह से चलती है तो उसके अंदर के आप शेप्स भी चेंज कर सकते हैं राइट, एंड हाउ दोज वेव्स हैपेंस, ये सब किस तरह से फॉर्म होता है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर है मैट्रिक्स करके। तो मैट्रिक्स के अंदर उस तरह से आप जिस तरह से शेप उसके अंदर बनाएंगे, ये सारा कनेक्शन सेंड करती है वो सॉफ्ट ऊपर, जो आप लोगों का ऑपरेटर है, जो मैकेनिज्म है उसके अंदर, उसके हिसाब से जो अंदर का जो वायर्स है वो सारा मूवमेंट ऑटोमेटिकली होता है, उसके अंदर हम लोगों को मैन्युअली कुछ नहीं करना होता है। तो ये वीडियो के अंदर आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये बॉल्स ऑपरेट होती है, किस तरह से ये शेप्स फॉर्म होते हैं और वो सब। बहुत अमेजिंग ये टेक्नोलॉजी, बहुत ब्यूटीफुल लगती है जब होती है। तो आप लोगों के लैप जो आप लोगों के सिस्टम में उसके अंदर ये सारी चीजें होती है, एंड उसके बाद में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट इस तरह से दिखता है राइट। सो यू कैन अचीव विद बिग आल्सो, ये सारे इधर के इंडिया के पिक्चर्स नहीं है। तो इस टाइप के अगर आप लोग समझ जाओ ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है, तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने डाला है कि ट्रायंगुलर शेप में भी आप उसको अचीव कर सकते हैं। एक इवेंट के अंदर ट्रायंगुलर शेप में मैंने उसका वीडियो देखा था, बहुत अमेजिंग था राइट। तो ये सब अचीव हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। अभी तक कोई डाउट किसी को भी? Anybody, any doubt? Yeah, everything going fine and smooth. So, augmented reality क्या होती है? अब augmented reality क्या मतलब समझ लेते हैं? Is an interactive experience of a real world environment where the object that reside in the real world are enhanced by computer generated perpetual information, right? तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग जो real world में उसको screen use करके कुछ ना कुछ अगर आप उसको changes बनाओगे तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑगमेंटेड रियलिटी विदाउट स्क्रीन नहीं हो सकता, विदाउट फोन नहीं हो सकता, कंप्यूटर जनरेटेड है, वो आधा रियल है और आधा कंप्यूटर जनरेटेड है। इस टाइप से अगर आप उसको बोलो कि वो आधा रियल है, हाफ रियल है राइट, और वर्चुअल रियलिटी को अगर आप बोलो तो वो एकदम अनरियल है, 100% अनरियल है, बिकॉज आप एक अलग दुनिया के अंदर चले जाते हो, उसके अंदर कुछ रियल नहीं है, वो सारा अनरियल है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ रियलिटी प्लस टेक्नोलॉजी,
तो उस तरह से आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी जहां पे आपकी स्क्रीन्स है वहां पे आप ऑगमेंटेड रियलिटी का टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अब स्क्रीन्स आपकी कहां कहां आपके इवेंट्स में यूज होने वाली है ये आप सोच सकते हैं। आप उसको एज ए फोटो बूथ यूज कर सकते हैं, आप उसको एज ए इनवाइट यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मेरे फोन के अंदर अब ये पेपर है और मैं फोन को उसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये पेपर ऐसे मेरे को अलग दिख रहा है, बट जैसे मैं फोन उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मेरे को फोन के अंदर वही पेपर पे मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, राइट। सो ऑल दिस कैन बी अचीव थ्रू वर्चुअल रियलिटी, जहां पे स्क्रीन आ जाती है और आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस आ जाता है। ये दोनों को कंबाइन करके आप ऑगमेंटेड रियलिटी से बहुत अमेजिंग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है, स्क्रीन होना बहुत जरूरी है। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट, बट उसको हम लोग इंक्लूड्स ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी को हम लोग मिक्स करते हैं तो उसको एक्सटेंडेड रियलिटी भी बोलते हैं। वीआर को हम लोग एक्सआर भी बोलते हैं, विच इज एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट। तो जिसको मैंने आप इसके लिए आपके लिए और एक डेफिनेशन लिख के रखी है, ऑगमेंटेड रियलिटी एड्स डिजिटल एलिमेंट्स टू लाइव व्यू ऑफन बाय यूजिंग द कैमरा और स्मार्टफोन, कैमरे या स्मार्टफोन होना चाहिए। वर्चुअल रियलिटी इंप्लाइज टू कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस दैट शट आउट द फिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर फिजिकल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आप एक अलग दुनिया के अंदर चले गए, आपने वीआर पहन लिया और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कितनी बार आप लोग ने देखा होगा लोग जब वीआर पहन लेते हैं और वो राइड के अंदर होते हैं तो वो लोग सच्ची में डर जाते हैं, सच्ची में गिर जाते हैं, राइट, बिकॉज दे आर इनटू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये हम लोग ने लेफ्ट साइड वाला है उस तरह का हम लोग ने भी किया था व्हेन यू वेयर अ वीआर। सो यहाँ पे आपका पेंट बॉक्स है, आप पेंट कर रहे हैं, आपका 2D 3D पेंट कर रहे हैं, उसका आप लोगों को फिर एक प्रिंट आउट मिल जाए, या आप कोई मूवी देख रहे हैं, या आप फोटो बूथ यूज कर रहे हैं, या आप वीआर बेस इनवाइट बना रहे हैं। तो नाउ यू हैव एन आइडिया कि ऑगमेंटेड रियलिटी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। जहाँ पे स्क्रीन है हम लोग लाइव इवेंट्स पे भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन है, आप यहाँ पे खड़े और आप जैसे यहाँ पे आ रहे तो स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे ऑडियंस को कुछ और दिख रहा है, राइट। तो उस तरह से आप ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर सकते हैं। आपको अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देना है तो आप वीआर यूज कर सकते हैं। जहाँ पे एक एक्टिविटी है या कुछ है और आपने वीआर रखे और वीआर बेस्ड आपकी एक्टिविटी हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज एंड होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं, मैं इसी टाइप की वीडियोस लाइव सेशंस यूट्यूब पे भी करने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप इस टाइप की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, एंड आपको वीडियो में क्या पसंद आया, क्या आपने इस वीडियो में सीखा मुझे नीचे बताइए। और अगर आप टेक्नोलॉजी में इसमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे बताइए, मैं स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर भी वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।